दिल्ली के उपराज्यपाल को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एलजी साहब को पूरे अधिकार हैं 10 एल्डरमैन यानी कि 10 पार्षद मनोनीत करने का नगर निगम के अंदर, और इसके लिए उनको सरकार से सलाह लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फैसला कितना बड़ा है, पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। कोर्ट में क्या कुछ जिरह हुई, आम आदमी पार्टी क्या रिएक्शन, सब कुछ आपको बताएंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, ये मसला काफ़ी दिन से फैसला सुरक्षित रखा हुआ था कोर्ट ने, और फैसला आ गया है। एलजी साहब को उनके लिए खुशखबरी है कि वो 10 पार्षद सीधे नियुक्त कर सकते हैं। पहले तो पूरा ये मामला समझा दीजिए, मामला क्या था हमारे दर्शकों को, और उसके बाद बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये दिल्ली सरकार, दिल्ली के एलजी के लिए बड़ी उपलब्धि हो या यूँ कहें कि बड़ी राहत वाली खबर हो, ये एक अलग बात है, लेकिन ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है जी। चूँकि एलजी को ये पावर कानून के तहत मिली हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी वो उचित नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया और उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि 1993 के दिल्ली नगर पालिका अधिनियम के तहत एलजी के पास ये शक्ति है कि वो मनोनीत कर सके, नियुक्त कर सके 10 एल्डरमैन। चूँकि कुल संख्या 260 होती है और 250 का प्रोसीजर अलग है, 10 का जो प्रोसीजर है उसमें एलजी की भूमिका होती है, और एलजी सीधे तौर पर बिना एड एंड एडवाइस के, यानी कि बिना किसी परामर्श के और बिना किसी सहायता के वो नियुक्ति कर सकते हैं, और ये शक्ति उन्हें 1993 के नगर पालिका अधिनियम के तहत मिली हुई है। चूँकि दिल्ली सरकार की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें ये कहा गया था कि अनुच्छेद 239AA के तहत एलजी की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो तय हैं, यानी कि जो भूमिका है दिल्ली की, दिल्ली में उनकी, वो तय है। तो ऐसी स्थिति में वो बिना एड एंड एडवाइस के, यानी कि परामर्श और सहायता के बिना, दिल्ली सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सहायता और उसके परामर्श के बिना एल्डरमैन की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में ये साफ कर दिया कि मंत्रिपरिषद के परामर्श की, राय की और सहायता की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। एलजी स्वयं में सक्षम है, चूँकि उन्हें 1993 के दिल्ली नगर पालिका अधिनियम के तहत ये व्यवस्था मिली हुई है, और ये जो उनका ये जो उनकी कार्रवाई है ये एक विधायी प्रक्रिया है, ये उनकी कार्यकारी प्रक्रिया में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आज CJI जस्टिस DY चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में लंबे समय तक सुनवाई की थी, क्योंकि जब 1 जनवरी और 4 जनवरी को एल्डरमैनों की, 10 एल्डरमैन की जो नियुक्ति थी वो एलजी की तरफ से की गई थी, और एलजी लेफ्टिनेंट ने जब ये नियुक्ति की उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस किया और लंबे समय तक सुनवाई की, काफ़ी लंबी सुनवाई की, और उसके बाद इस मामले में जो आज फैसला आया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो उनकी कार्यकारी शक्ति है, जो दिल्ली से संबंधित उनकी शक्तियाँ हैं, वो 239AA अनुच्छेद के तहत हैं, और जबकि जो नगर पालिका के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी शक्तियां हैं, वो 1993 के नगर पालिका अधिनियम के तहत हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका नियुक्ति का जो आदेश था वो बरकरार है, यानी कि जो 10 एल्डरमैन उन्होंने जनवरी में नियुक्त किए थे वो बरकरार रहेगा फैसला उनका। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरह की मंत्रिपरिषद की राय मशवरा या परामर्श या फिर सहायता की ज़रूरत एलजी को इस मामले में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एलजी की जो पावर्स थी, जो 1993 के नगर पालिका अधिनियम के तहत हैं, वो स्पष्ट कर दी है, और ये साथ में साफ कर दिया है कि जो अनुच्छेद 239AA के तहत उनकी शक्तियां हैं वो अलग हैं, और जो 1993 दिल्ली नगर पालिका अधिनियम के तहत उनको शक्ति प्राप्त है वो अलग है।
तो ये आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है। तो कुल मिलाकर के ये दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। एलजी को चूंकि ये पावर्स पहले से ही प्राप्त थी, तो ऐसे में ये कहा जाना कि उनके लिए बड़ी राहत है, इस पर थोड़ा सा विचार किया जा सकता है या बहस हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर यह दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है। जी सौरभ, बिल्कुल, दिल्ली सरकार के लिए बड़ा झटका है, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पर बयान भी दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र और संविधान के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। उन्होंने फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि कोर्ट का फैसला मामले की सुनवाई से एकदम उलट है। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार के पास पीयूष जी आगे क्या ऑप्शन, आगे क्या कर सकते हैं? सौरभ, दिल्ली सरकार इस मामले में रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकती है और रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट आगे उस पर अपना क्या फैसला लेता है, क्या मौजूदा फैसले को पलटेगा या फिर उसी फैसले को जारी रखेगा। विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के पास अभी रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन का जो विकल्प है वो बाकी है। हालांकि ये स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट किसी कानूनी मामले में जब फैसला लेता है तो रिव्यू पिटीशन में बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं, यानी कि लेस देन 50% ये चांसेस होते हैं कि रिव्यू पिटीशन में वो फैसला पलट दे। लेकिन एक विकल्प रिव्यू पिटीशन है और दूसरा जो विकल्प है वो क्यूरेटिव पिटीशन है, जो कोई लीगल खामी के आधार पर ही दाखिल किया जा सकता है। यानी कि ये कहा जाए कि जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लीगल खामी है, तो इन स्थितियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से चुनौती दी जा सकती है। फिर से इस फैसले को भी चुनौती देना गलत कहना गलत होगा, यूँ कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि दोबारा से अपने फैसले पर विचार कर लें और उसके आधार जो है वो दिल्ली सरकार फिर से एक बार उद्धृत कर सकती है अपनी पिटीशन में। और क्यूरेटिव पिटीशन में ज़रूरी यह है कि क्यूरेटिव पिटीशन के लिए उन्हें कोई लीगल लैकुना ढूंढना होगा, जो जजमेंट में अगर उन्हें लगता है कि ऐसा वाकई में सही नहीं है। तो ये दो विकल्प हैं अभी, और इसके अलावा अब कोई उनके पास विकल्प नहीं है इस मामले में। जी जी सौरभ, बिल्कुल, तो ये पूरा मसला था। एलजी, दिल्ली के एलजी को राहत मिली है, उनको 10 एल्डरमैन नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है दिल्ली के नगर निगम में। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली सरकार के लिए झटका है और वो अपने ऑप्शंस तलाशेंगे, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं पीयूष जी ने बताया और तमाम जानकारी दी। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस मसले पर आगे कुछ होता है, कोई अपडेट आता है तो वो आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।